वेलकम बैक टू माय चैनल सौरस ब्लिसफुल वाइब्स। सीधी बात, कोई बकवास नहीं भाई। वाई टिकटॉक इज़ स्टिल नॉट बैंड इन इंडिया? लाइक इतनी बकवास ऐप। अभी जो चाइना बॉर्डर पे हुआ वो सबको सबको पता ही है। 20 सैनिक मार दिए उन्होंने हमारे, और उसके बाद भी चोरी और सीनाजोरी वाला सीन भी चल रहा है। एवरीबडी नोज दैट। अब उस पर मोमबत्तियाँ और ये जुलूस वो जुलूस सब निकल रहा है, लेकिन उन लोगों में से 80% आई कैन बेट टिकटॉक ही यूज़ कर रहे होंगे। एंड आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई। इतनी यूजलेस और इतनी बकवास ऐप, इससे ज़्यादा बकवास ऐप कोई मार्केट में आ ही नहीं सकती है। लाइक आई अंडरस्टैंड वी समवेयर हम डिपेंड करते हैं चाइना पे भी इम्पोर्ट के लिए, इंडस्ट्री रिलेटेड एरियाज़ में, बट एटलीस्ट वट इज़ इन आर हैंड वी कैन डू समथिंग अबाउट दैट। वी वर टॉकिंग अबाउट बायकॉटिंग चाइना, एंड बायकॉट चाइना वॉज ट्रेंडिंग इन ट्विटर। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई कांट वी बायकॉट एटलीस्ट टिकटॉक। जिस ऐप का कोई सेंस नहीं है, जिस ऐप से कोई इंफॉर्मेटिव पर्पस का कोई काम नहीं हो रहा है, जिस ऐप से कुछ कुछ भी सीखने को नहीं मिल रहा है एंटरटेनमेंट के नाम पे, जहाँ पे सिर्फ बकवास चल रहा है, उस बकवास ऐप को वाई कांट वी बायकॉट दैट ऐप। एंड झूठ बोलना पापे, नदी किनारे सांपे, मैं आई एम एक्सेप्टिंग। मैंने भी डाउनलोड किया था, बट मतलब फॉर अ सिंसियर गाय देर इज़ नथिंग टू डू इन दैट ऐप। कोई भी जो बंदा सिंसियर है एंड हु रियली वॉन्ट टू डू समथिंग क्रिएटिव, वो ऐप उस बंदे के लिए है ही नहीं। अभी रिसेंटली यूट्यूब वर्सेस ट्विटर चल रहा था, एंड एवरीबडी वॉज मेकिंग वीडियोज़ ऑन दैट, एंड स्टिल सो मैनी पीपल आर यूजिंग दिस बकवास ऐप, एंड आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई। वी टॉक अबाउट देशभक्ति, वी टॉक अबाउट शहादत, वी टॉक अबाउट सो मैनी ब्लडी थिंग्स, बट वी कैन नॉट अनइंस्टॉल टिकटॉक। एंड इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ऐप ऑफ चाइना। एंड आई डोंट नो कितने लोगों को ये बात पता है नहीं, चाइना जब ये ऐप काफ़ी पॉपुलर हुआ तो चाइना जिसने इसको डेवलप किया था उस बंदे ने ये खुद बात बोली है कि हमने जब इस ऐप को डेवलप किया था तो हमने इस ऐप को उन लोगों के लिए डेवलप किया था जो लोग खाली या फालतू बैठे हैं, जिन्हें टाइम पास करना है। और उन्हें उन्होंने ये बात कोट की थी कि वी हैड नो आइडिया कि इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग इस ऐप को यूज़ करेंगे और सबसे ज़्यादा फालतू लोग ऑल टुगेदर इंडिया के ही हैं, एंड स्टिल वी आर यूजिंग टिकटॉक। टिकटॉक सेलिब्रिटीज़ एंड ऑल दैट सब चल रहा हो। लाइक शर्म नाम की अगर थोड़ा भी किसी के अंदर चीज़ होगी, बच्चों पे मैं नहीं जाऊँगा, बच्चों को उतनी अकल नहीं होती है। आई नो सो मैनी इंडियन किड्स आर यूजिंग टिकटॉक एज वेल, बट उनको कुछ सेंस ही नहीं है। दे आर जस्ट यूजिंग इट फॉर द शेक ऑफ एंटरटेनमेंट, बिकॉज उनका अब सेंस फिर भी बनता है। पहले तो अगर इफ़ दे आर पेरेंट्स कैन डू समथिंग अबाउट दैट तो वो बहुत अच्छी बात है, बट उनका फिर भी सेंस बनता है बिकॉज उन्हें चीज़ों का पता नहीं है। बट वी एज एन एडल्ट वी नो सो मैनी थिंग्स। वी टॉक अबाउट यू नो पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति, एंड ये और वो, एंड चाइना इंडिया। वी टॉक अबाउट बाइकआउट चाइना, एक्सपोर्ट यहाँ से, इम्पोर्ट यहाँ से बंद करो। वी टॉक अबाउट दैट, एंड वी कैन नॉट अनस्टॉल, वी कैन नॉट बाइकआउट टिकटॉक। दिस इज़ आउट ऑफ माई सेंस, आई दिस इज़ आउट ऑफ माई माइंड माइंड आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। सो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा भी अगर शर्म नाम की कोई चीज़ बची है या देशभक्ति के नाम की कोई चीज़ बची है, उन 20 लोगों के परिवार के बारे में, उनकी फैमिलीज़ के बारे में, उनके बच्चों के बारे में सोचो, एंड प्लीज़ अनस्टॉल दिस ऐप, दुनिया की सबसे बकवास ऐप। एटलीस्ट इतना कंट्रीब्यूशन हर कोई अपनी तरफ से कर सकता है। वी टॉक अबाउट सो मैनी बिग थिंग्स, स्मॉल चेंजेस हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, और ये बहुत छोटा चेंज है। लेकिन अभी जब YouTube वर्सेस TikTok चल रहा था, TikTok का रेटिंग बहुत नीचे आ गया था, स्टिल वो प्ले स्टोर पर अभी भी पड़ा हुआ है। जस्ट कॉज सो मैनी फ्रीकिंग इंडियंस दे आर स्टिल यूजलेस पीपल हु यू नो डजन बिलीव, हु डोंट बिलीव इन देयर ओन कंट्रीज, अपने देश की सोच पे इनको भरोसा नहीं है, वो उसको अभी भी यूज़ कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दीज पीपल वो अभी भी वहाँ पे है और वो वहीं पे रहेगा, और वो यूज़ भी होता रहेगा, और इसी तरह से बॉर्डर पे सब ये चलता रहेगा। बिकॉज बिकॉज इससे हमें फ़र्क क्या पड़ता है, बिकॉज मरा तो किसी और की फैमिली का है। थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांक के देखो, एंड प्लीज़ बहुत बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े जुलूस वगैरह कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा ही के चेंज हर कोई कर सकता है, जस्ट बायकॉट टिकटॉक, दैट्स इट।
जय राम जी की।